है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा चैप्टर फोर्थ जो है हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। चैप्टर फोर्थ में मैंने कल जो है आपको कुछ टॉपिक का क्वेश्चन करा दिया था, तो चलिए हम लोग जो है इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन कर करके हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन करके तो हम लोग सब क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में आया हुआ है 10 ईयर का वन बाई वन करके कराता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, 2016 में वे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सबसे पहले याद रखना कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2016 में ये वाला आया हुआ है और 2014 में, तो 2016 में कौन सा स्टेट एम्पियर सर्कुलर ला, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत कम आ पाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कम आता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन ये ज़्यादा आएंगे, प्लस जो है वो प्रूफ आ सकता है। तो सबसे पहला 2016 का क्या है, स्टेट एम्पियर सर्कुलर ला डिफिनीशन बताती है, एम्पियर सर्कुलर ला का क्या डिफिनीशन है, ठीक है। दूसरा, राइट द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म फॉर द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन अ क्या है मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या बोला कि एक्सप्रेशन देना है, ठीक है, किसका भी वेक्टर फॉर्म में फोर्स का, किसका देना है, फोर्स का देना है, और जब क्या हो मूविंग चार्ज क्या कर रहा, बी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 16 वाला देखते हैं, ठीक है, मतलब 2016 वाले का आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या आंसर का है इसका, स्टेट एम्पियर सर्कुलर ला, तो हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल, यही ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू मतलब होगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू, ठीक है, पास थ्रू क्या होगा यहाँ पे, क्लोज बी इंटू डी एल इज इक्वल कितना होता है, म्यू नाट इंटू आई, ठीक है ना, कितना होता है म्यू नाट इंटू आई हो जाता है, कितना, तो टोटल जो है हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा इस क्या होगा क्लोज, यहाँ क्लोज फील्ड से, वो इज इक्वल होगा म्यू नाट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पास, ठीक है, या म्यू नाट टाइम ऑफ टोटल करंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, अगर क्या होगा, अगर क्लोज क्या होगा किसी क्लोज फिगर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, ठीक है, वो इज इक्वल होता है किसके, तो म्यू नाट टाइम ऑफ द टोटल करंट के, ये हमारा होता है एम्पियर क्या होगा सर्कुलर ला, यही है, जैसे गास ला होता है वैसे एम्पियर सर्कुलर ला होता। तो आप समझ रहे हैं ना क्या है, तो एम्पियर सर्कुलर ला यही है कि क्लोज क्या होगा इन अ क्लोज सर्किट या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू इन एनी सर्किट म्यू टाइम ऑफ टोटल करंट पास थ्रू दिस सर्किट, मतलब कोई सर्किट हो जितना उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास के, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ जो होगा टोटल करंट पास थ्रू दिस सर्किट इज नोन एज क्या होगा एम्पियर जो है सर्कुलर ला, इसी को बोलते हैं, ठीक है, थीके? इसका मतलब है ये एम्पियर सर्कुलर ला है, तो आया समझ में। चलिए दूसरा क्या है यहाँ पे, ये देखिएगा इसका मतलब है दूसरे का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2014 वाले का क्या आंसर है, तो 14 का आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे कि हमें बताना है फोर्स का फार्मूला बताना है, तो हम लोग फोर्स का फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है QVB होता है, क्या होता है QVB होता है, ठीक है, और साथ में यहाँ साइन थीटा भी होता है अगर देखा जाए, ठीक है, पर जब थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो जाती है तो यहाँ से साइन हट जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, राइट द एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो, एफ इज इक्वल क्यू बी क्रॉस बी, मतलब ये हमारा क्या होगा जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है,
क्यू क्या है चार्ज है, साइन थीटा इसलिए लगा क्योंकि फॉर्मूले में साइन थीटा होता है, बट क्या है ये थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये 90 डिग्री होता है, मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर अगर हमारा क्या कर रहा है कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी भी लगेगा। अब इसमें आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर बी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब जो होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, पहला क्वेश्चन था हमारा एम्पियर सर्कुलर ला, तो हम लोग देखे कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द एरिया या पास थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट पास थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। अब यहाँ क्या सेकंड क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि राइट द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा, पर साइन थीटा क्या है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है इन दोनों के बीच में, तो हम लोग जानते हैं क्यू वी बी होगा, क्यू क्या है क्या होगा चार्ज है, बी मतलब चार्ज की वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ क्या होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर कौन सा वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों के बीच, दोनों के ये क्या करेगा फोर्स दोनों से 90 डिग्री पर होगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा इसका, ठीक है ना, आया समझ में। तो देखिएगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करें इसका सलूशन पा जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।